हर 6 महीने बाद बदल जाता है इस आइलैंड का देश। मजेदार है इसके पीछे की वजह। एक तरफ जहां दुनिया के कई देशों के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा है, तो वहीं दुनिया के 2 देश ऐसे भी हैं जिन्होंने बड़ी समझदारी से सालों पुरानी दुश्मनी खत्म की और एक ऐसा समझौता किया जो किसी को भी आश्चर्य में डाल देता है। हम बात कर रहे हैं फ्रांस और स्पेन की। दोनों देशों ने एक ऐसा समझौता किया है जिसके तहत दोनों 6-6 महीने के अंतराल पर एक आइलैंड की अदल बदला करते हैं। स्पेन और फ्रांस के बीच फ्रांसेंस नाम का एक आइलैंड है। यह आइलैंड स्पेन और फ्रांस को अलग करने वाली बिदासोआ नदी पर मौजूद है। 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले फ्रांसेंस आइलैंड की खासियत ये है कि यह 6 महीने स्पेन के पास रहता है, तो 6 महीने इस पर फ्रांस का अधिकार होता है। दोनों देशों के बीच पिछले 350 सालों से ये परंपरा चल रही है। फ्रांसेंस एक मैनमेड आइलैंड है जो बिल्कुल निर्जन है। दोनों देशों की सीमा के बीच होने के चलते इसे न्यूट्रल टेरिटरी माना जाता है। स्पेन और फ्रांस के बीच जंग खत्म करने के लिए 1659 में इसी आइलैंड पर पीस ट्रीटी हुई थी, जिसे पाइनस संधि कहा जाता है। यह संधि शाही शादी के साथ पूरी हुई, जिसमें फ्रांस के किंग लुइस जिव ने स्पेन के किंग फिलिप आईवी की बेटी से शादी की। इस दौरान यह तय किया गया था कि इस आइलैंड पर दोनों देशों का बराबर अधिकार होगा। 1 फरवरी से 31 जुलाई तक आइलैंड स्पेन के पास रहता है। इसके बाद यह फ्रांस के अधिकार में चला जाता है। बता दें कि आम लोगों के लिए खास मौकों पर ही इस आइलैंड को खोला जाता है। वहीं पानी का बहाव इस आइलैंड को लगातार छोटा कर रहा है, जिससे यह आकार में छोटा होते जा रहा है। जब नदी का पानी घट जाता है तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि पैदल चलकर ही स्पेन से फ्रांस या फ्रांस से स्पेन पहुंचा जा सकता है।